हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं नीरज वंगानी और मैं शेफाली वंगानी। जय श्री कृष्णा। आज हम कुछ नए कैरेक्टर में आए हैं। आज हम कॉमेडी करने वाले हैं। अपने रिश्ते बनते हुए तो बहुत देखे होंगे, और मैं स्पेशली अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ। जब कभी भी अरेंज मैरिज की बात आए तो लड़का और लड़कियों को मिलाया जाता है। लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से सवाल करते हैं, आपस में बातें करते हैं। पर यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि लड़की अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, सोफिस्टिकेटेड है, प्रोफेशनल है, इंग्लिश अच्छा है, और लड़का इतना आता नहीं है पर फिर भी फुदकना बहुत है। और उसके बाद जो वो जिस सिचुएशन में फंसता है वो देखने लायक है। तो आप देखिए, मजे लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए, इतनी बार बोलना पड़ता है। अरे यार, ये क्या कपड़े पहन के आया है, चोकर जैसा लग रहा है एकदम। हाय हाय। सो हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। सो व्हाट इज योर व्हाट वाज व्हाट वर What will? अरे मैं आपसे इंग्लिश में स्टार्ट हो गया। मेरा एक्चुअली प्रोफेशनल लोगों के साथ उठना बैठना है, तो मैं हमेशा इंग्लिश में ही बात करता हूँ सबसे, तो गलती से आपसे भी इंग्लिश में आ गया। अच्छा, मेरा एक्चुअली ये पूछना था, आपने पढ़ाई क्या की है? मैंने MBA in HR किया है। MBA in HR? MBA in HR? बहुत अच्छा कोर्स है ये। हाँ। HR बहुत अच्छा कोर्स है। मेरे दो दोस्त हैं, उन्होंने भी HR किया है ये। अच्छा। तो कहाँ है अभी वो? न्यूजीलैंड में है वो लोग। वाह, न्यूजीलैंड में। अच्छा है, क्या करते हैं न्यूजीलैंड में वो? काउंटर क्वेश्चन। सेल्समैन। वो लोग न्यूजीलैंड के बहुत बड़े मॉल में सेल्समैन है। HR करके सेल्समैन? पता लोचा है कुछ डोमेन में। एक्चुअली उनको शौक था HR करने का, तो पढ़ाई HR में की, बट उनके दादाजी की इच्छा थी कि वो लोग सेल्समैन बने, और वो भी न्यूजीलैंड में, तो वो वहां चले गए। अच्छा। आपने क्या पढ़ाई की है? मैंने तो 12th ही किया। एक्चुअली मेरे को आगे पढ़ना था, ग्रेजुएशन करना था मुझे, पर मेरे जो मास्टर जी थे, मेरे टीचर्स थे 12th के, वो बोल रहे थे कि तुम्हारा दिमाग बहुत जहीन है, मेरा प्रैक्टिकल लेवल नॉलेज भी बहुत अच्छा था, एक्चुअली अभी भी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो खुद का घर का बिजनेस है, तो उसी पे माइंड लगाओ। खामखा मैं ग्रेजुएशन तक इतने साल पढ़ता रहता तो मेरा दिमाग घिस जाता। बोला कि अभी इतना दिमाग एकदम लाइव मोड में है, तो उसको जाके लगा लो बिजनेस में। बस वही मैंने डिसाइड कर लिया कि 12th से आगे नहीं पढ़ना है। अच्छा, कितने परसेंटेज थे 12th में? एक्चुअली परसेंटेज में क्या रखा है, आपको भी पता है आजकल परसेंटेज 91 93 क्या मिलता है। प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। अरे वो सब छोड़ो। मैं क्या पूछ रहा था, आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज रीडिंग बुक्स, नॉवेल, ड्रॉइंग, ट्रैवलिंग, वॉचिंग मूवीज, स्पेशली साइंस फिक्शन। इसका भी इंग्लिश अच्छा है। लास्ट में क्या कहा, कौन सी मूवीज पसंद है आपको? साइंस फिक्शन। साइंस फ्रिक्शन। बहुत अच्छी बात है, साइंस की मूवीज मैं भी देखना पसंद करता हूँ। साइंस की मूवीज का अपना ही मजा है। अच्छी बात है, देखना चाहिए, मैंने भी बहुत देखी है। अच्छा। कौन सी मूवी देखी है साइंस की आपने? अपनी ये सनी देओल वाली गदर मूवी देखी है मैंने। गदर? लेकिन गदर तो लव स्टोरी है। एक्चुअल में है लव स्टोरी, दुनिया को भी लव स्टोरी दिखाया गया है, बट आप गूगल में वो क्या होता है, विकिपीडिया में सर्च मारना, उसमें साइंस का बहुत रोल है, साइंस ने बहुत। अरे वो सब छोड़ो। आपने अभी हॉबीज में बताया कि आपको ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है, बताइए कहाँ कहाँ घूमे हैं? मैं तो बहुत कुछ घूमी हूँ। एक्चुअली मेरे पापा को LTC मिलती है, तो न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया,
अच्छा बहुत अच्छी बात है, मैं भी यूरोप घुमा हूँ पूरा। यूरोप? लेकिन ये सब तो अमेरिका में है। नहीं मतलब आप जो घूमे हो वो सब अमेरिका में, मैं तो इंडिविजुअली बात करता हूँ, मैं तो यूरोप घूमा हूँ। अच्छा कहाँ कहाँ घूमे यूरोप में? पूरा का पूरा यूरोप ए टू जेड सब कुछ घुमा हुआ है मैंने यूरोप। अरे वो सब छोड़िए, मैं क्या पूछ रहा था कि आप तो 15 दिन पहले मिलने आने वाले थे, मम्मी बता रहे थे, आप 15 दिन लेट क्यों हो गए, इतनी डिले क्यों हुई? एक्चुअली मेरे चाचा जी हमारे साथ आने वाले थे, तो उनके आसपास में 3-4 केसेस आ गए और वो क्वारंटाइन हो गए थे। आजकल ये वर्ड सुनने में बहुत आ रहा है, भगवान मदद करना। क्या बोला लास्ट में आपने, क्या हो गए? क्वारंटाइन हो गए थे। 29 अच्छी बात है, मतलब सरकार का तो बहुत फायदा मिलता होगा इनको, नहीं तनख्वाह भी बड़ी होगी, अभी तो 7वां पगार पंच चल रहा है तो उनका बहुत फायदा हुआ होगा 29 से। अरे मैं क्वारंटाइन बोल रही हूँ, प्रमोशन नहीं, क्वारंटाइन। वो सब छोड़िए छोड़िए, ये सब चलता रहता है। मैं क्या पूछ रहा था, आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मेरा फेवरेट फूड है चाइनीज, पंजाबी, कॉन्टिनेंटल, तो मेरा फेवरेट है चाइनीज पंजाबी, वो तो हम आए दिन खाते हैं। लास्ट में आपने क्या बोला, वो कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल। ये हम बहुत, हम जब भी बाहर जाते हैं ना खाना खाने रेस्टोरेंट में, तो मेरा जो ये पूरा दोस्त का गढ़ है ना, हम सब कॉन्टिनेंटल ही प्रेफर करते हैं, बहुत मजा आता है उस खाने। क्या क्या खाया आपने कॉन्टिनेंटल में? काउंटर क्वेश्चंस। कॉन्टिनेंटल में एक्चुअली मैं बता नहीं पाऊंगा, अगर बताऊंगा तो ये प्रॉब्लम है कि मेरे को मुंह में पानी आ जाएगा, मेरा ये प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे सब पसंद है, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो अभी हम फोकस पूरा भटक जाएगा, यार वहीं पे ध्यान जाएगा फिर मेरा खाने में ध्यान चला जाएगा। आप वो सब छोड़ो, ये बताओ आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेरा फेवरेट सिंगर है अरिजीत सिंह। यस ये जानता हूं मैं। अरिजीत सिंह, क्या बात है, उसके गानों में मतलब एक बात होती है, सही में बहुत बढ़िया सॉन्ग गाता है, उसकी आवाज में क्या दम है, बट कभी कभी वो दुख के गाने भी गा लेता है और उसमें आंखें नम हो जाती है। उसका वो गाना सुना है आपने, रंग दे तुम मोहे गेरुआ, शाहरुख और काजल। उस गाने में मैंने मतलब रो रो के मेरी आंखें सूज गई थी, इतना दर्द था उसका। लेकिन वो तो रोमांटिक सॉन्ग है। ये बात सही करी, वो सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग ही था, पर उसमें आपने अरिजीत के दर्द को महसूस करते ना, उसकी आवाज में जो दर्द था, वो एक मर्द ही दूसरे मर्द के दर्द को समझ सकता है। अरे वो सब छोड़िए, मैं क्या पूछ रहा था, आपका फेवरेट गेम कौन सा है? मेरा फेवरेट गेम है टेनिस। अच्छी बात है, टेनिस तो बहुत अच्छा गेम है। मुझे तो बहुत सारे गेम पसंद है, पर टेनिस भी हम बहुत खेलते हैं, मेरा ये जो पूरा ग्रुप है ना यहाँ पे, जो 3-4 लोग हैं, हम सब साथ मिलके मोहल्ले में एक साथ 11 जन मिलके, 11 जनों का हमारा ग्रुप है, साथ में टेनिस खेलते हैं हम। अच्छा, और हमेशा जीतता भी मैं हूँ, मास्टर हूँ इस गेम का। लेकिन टेनिस तो 2 लोग ही खेलते हैं। सही बात है, 2 ही लोग खेलते हैं हम, पर ये जो 11 लोग को एक साथ इकट्ठा कर लेते, फिर टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ना बाद में, खेलते तो मेरे सामने एक एक करके आता जाता है, हारता जाता है, एक आता है दूसरा आता है, एक आता है दूसरा आता है, ऐसे करके हारते जाते हैं, लास्ट में जीतता मैं हूं, पूरा मोहल्ला देख के देखता है। अच्छा। पर हम खेलते तो 2 ही। अच्छा ये सब छोड़िए, मैं क्या पूछ रहा था, अब आप पूछिए, आपका कोई सवाल हो तो आप पूछिए। नहीं आपका दिमाग काफी तेज है ना, तो उसी में सारे सवाल आपने पूछ लिए, है ना, है ना। मैंने क्या कहा था, मेरे मास्टर जी भी यही कहते थे, मेरा दिमाग बहुत ज़हीन है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत पावरफुल है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी बहुत अच्छा है। तो क्या ख्याल है आपका मेरे बारे में, क्या राय है आपकी? आपके बारे में क्या ख्याल है वो तो अब हमारी ऑडियंस ही बताएगी, तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, बताइए ना, बताइए।